हेलो, आज हम लोग एक नया आइटम लिए हैं हाथ में। ये एक सीकोशा 8 डे वाइंड क्लॉक है। इसका कैसा डिसमेंटल करते हैं और इसमें किस पार्ट का क्या नाम है वो बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से देखिए और हम आगे चलते हैं उसमें। पहले इसको इस तरह देख लीजिए। ये मशीन है सीकोशा, यहाँ पे लिखा हुआ है, एस ट्रेडमार्क है सीकोशा। और ये 8 दिन चलने वाली घड़ी है। इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, फिर भी टाइम पीस की तरह ही होता सिस्टम, मगर इसमें दो हिस्सा होता है, एक स्ट्राइकिंग साइड है, एक गोइंग साइड है। अभी हम लोग पहले गोइंग साइड का देख लेते हैं। गोइंग साइड में जो है, सबसे पहले यहाँ ऊपर जो है लीवर है और ये एस्केप व्हील है, और ये पेंडुलम रॉड है, इसको रॉड बोलते हैं। अभी हम लोग इससे पहले कुछ करने से पहले क्या करना है, इसमें का जो स्प्रिंग जो वाइंड हुआ है उसको हम लोगों को उतारना है, यानी इसकी ताकत कम करना है। जिस तरह देखिए, इसको मैंने क्या किया हूँ, इस तरह जो है एक तार बांधा हूँ, आप देख सकते हैं तार किस तरह बांधा हूँ। देखिए, पहले इस तरह तार बांधने का दोनों साइड के लिए एक एक। इसको बांधने के बाद इसका जो ताकत है या इसका जो ये है टॉर्क है उसको कम करना है। देखिए, अभी ये चल रहा है, आप देख सकते हैं ये सभी ढंग से चल रही है। अभी इसमें से इसको हमको ये चलना, इसका बंद करने के बाद ही ये पूरा वाइंड उतरने के बाद हम इसको खोल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, इस तरह एक पकड़ लीजिए, इसको खोलिए, इसको खोलिए, मतलब एक नट खोलना है इस तरह। ओके, एक नट इधर रख दिया। अभी इसको अंगूठा यहाँ रख के, इस तरह उंगली यहाँ रख के, अंगूठा यहाँ नीचे डाल के, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा के, एक सामान जो है इसको इस तरह निकाल लीजिए। ये निकलने में थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मगर निकलता है, उसका कोई तकलीफ नहीं। आपको इसका साइड का भी थोड़ा सा जो है नट थोड़ा लूज़ करना है, जगह कम पड़ रहा है उस बाजू, तो इसको थोड़ा लूज़ कर लीजिए, इधर का नट को इस तरह रख के। ये रहा, थोड़ा सा नट लूज़ कर लिए हैं। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा जगह मिल जाता है, इस तरह ये निकाल लीजिए। इसको कहते हैं गवर्नर या पंखा, यहाँ हम इसको रखते हैं। अभी क्या करना है, अभी ये हैमर को एक बाजू से खींचिए और यहाँ पे जो ये काउंटर का लीवर है उसको उठाइए। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ से हैमर को खींचना है, यहाँ से ये लीवर को उठाना है, तो ये फ्री हो जाता है। तभी ये दोनों करके ये उंगली छोड़ देना है। इसको इस तरह भी रख सकते हैं, इसको सेंटर में कर लेना वायर को थोड़ा, और इसको इस तरह खोलना है। अभी ये कुछ सेकंड में ये रुक जाएगा, इसका मतलब उसका पूरा वाइंड जो है, ये जो वायर के अंदर हम रखे हैं उस वायर के अंदर आके रुक जाएगा। अभी देखिए, इसको हम ढकलने पर भी वो घूमेगा नहीं, इस तरह ये है। अभी हमको क्या करना है, अभी एक एक चीज़ को निकालते हुए उसके नाम समझेंगे। इसको पहले इसको निकालेंगे, इसको कहते हैं
टंग पेंडिया पेंडुलम रॉड कहते हैं, ये यहाँ रखते हैं। इसको आर्बर कहते हैं या लिवर कहते हैं। ओके, ये हो गया दो। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से ये तीनों नट को लूज करना है। थोड़ा हल्का सा प्लायर से कर लीजिए, उसके बाद जो है उंगलियों से कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। एक, ये दो, तीन, एक इसमें डाला हूँ चार, ये और एक पांचवा। ये पांच जो है इसके नट निकाल दिया हूँ। अभी हमको आहिस्ता से ये प्लेट को उठाना है। जो जो कुछ थोड़ा बहुत रहता है इसमें वाइंड, वो निकल जाएगा, उससे कोई ख़तरा होने वाला नहीं है। ये रहा अपना, खुल गया ये। सबसे पहले ये प्लेट में से इस तरह एस्केप व्हील को निकालिए, इसमें रख देते हैं। उसके बाद जो है इसको काउंटर व्हील कहते हैं इसको, इसके ऊपर यहाँ पे यहाँ एक जो है लॉक है, लॉक को निकालते हैं, लॉक को इसमें डाल देते हैं। इसको क्या करना है, लॉक के ये जो खड्डा है, इस खड्डे के ऊपर बाजू में एक निशानी कर लेना है, ताकि आपको समझे वापस ये फिट करते वक्त कि ये बाजू हमारे तरफ आना है। इसके पीछे एक वॉशर होता है, ये वॉशर इसमें, ये इसमें, ये सारा प्लेट खाली है। और ये क्या चीज़ है, अब ये चीज़ जो है, इसको एक प्रकार का वायर है, ये लीवर को टेंशन देने के लिए ये वायर बनाया हुआ है। अभी देखिए एस्केप व्हील अंदर रखा है, ये सेकेंड व्हील है, ये थर्ड व्हील है। थर्ड व्हील के बाद इसको मिनट व्हील कहते हैं, ये आवर व्हील है, ये सेंटर व्हील या मिनट का रॉड ऐसा भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट व्हील बोलते हैं, इसको मेन व्हील बोलते हैं और मेन स्प्रिंग के साथ हैं। और इस बाजू से सबसे पहले आने वाला ये है, इसको गवर्नर भी बोलते हैं, पंखा भी बोलते हैं, फैन भी बोलते हैं, बटरफ्लाई व्हील भी बोलते हैं। उसके पीछे आने वाला व्हील है ये, इसको एक पिन है, इसको पिन व्हील भी कहते हैं। और उसके बाद जो है ये एक लीवर है, इसके तीन हिस्सा है, एक दो तीन हिस्सा है, और ये स्ट्राइक को कंट्रोल करता है, गिनता है। ओके, उसके बाद जो है ये है, इसको कैम व्हील कहते हैं, इसको दो इस तरह के ये है, देखिए पिन उठे हुए हैं जिससे स्ट्राइक बजता है, जिसके सहारे। उसके बाद आने वाला है मेन व्हील है या फर्स्ट व्हील है स्ट्राइकिंग साइड का। इसमें और उसमें थोड़ा फ़र्क है, ये साइड दोनों साइड में फ़र्क है, देखिए ये दोनों में ये गियर का फ़र्क है। उसके बाद में आने वाला है, इसको भी एक प्रकार का लीवर ही कहते हैं, जो ये है, ये लीवर जो है स्ट्राइक करने के लिए इम्पल्स क्रिएट करता है, यानी प्रोत्साहन देता है। ठीक है, इसको ये भी यहाँ रखता हूँ। इसके बाद जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइकिंग साइड मेन व्हील या मेन स्प्रिंग, और इसको कहते हैं हैमर, जिससे घंटी बजती है। ये सब चीज़ अभी मैं फिर से एक बार आपको सही ढंग से रख के दिखाता हूँ। ये मेन व्हील है, उसके बाद ये फर्स्ट व्हील है, उसके बाद ये थर्ड व्हील है, सेकंड व्हील है, ये एस्केप व्हील है। ठीक है, ये मिनट व्हील है, आवर व्हील है,
ये मिनट का माउंटिंग है या सेंटर व्हील है, ये लीवर है स्ट्राइकिंग साइड का, ये स्ट्राइकिंग साइड का मेन व्हील है, स्प्रिंग है, उसके बाद में ये मेन व्हील है स्ट्राइकिंग साइड का, उसके बाद का ये कैम व्हील है या थर्ड व्हील है, ये पिन लीवर है, पिन व्हील है, इसको गवर्नर बोलते हैं, इसके नीचे इसके इन दोनों के बीच में आने वाले ये दो चीज़ हैं, दोनों लीवर हैं, और इसको हैमर कहते हैं, और ये प्लेट हमारा नीचे वाला। अभी ये खोल के हो गया, उम्मीद रखता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो आप इसके बारे में अपना कमेंट्स लिख सकते हैं और कैन लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ भी सवाल जवाब की ज़रूरत है तो मैं अगला वीडियो में आपको इसके बारे में, इसको क्लीन करके इसको कैसे फिट किया जाता, स्प्रिंग कैसे क्लीन करते हैं और इसमें क्या गलतियाँ हैं, वो सब बताऊँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।